कनाडा वीज़ा कैटेगरीज। जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि क्या क्या कनाडा का प्रोसेस रहेगा, क्या कैटेगरीज है या कहाँ वीज़ा फाइल लॉजमेंट होगी। सो आज मैं दामिनी फ्रॉम SIC मैं एक बारी आपको सारे प्रोसेस की या क्या कैटेगरीज रहती है उसके बारे में एक बारी ब्रीफ कर देती हूँ। कनाडा में दो वीज़ा कैटेगरीज होती हैं, SDS एंड नॉन SDS। SDS की फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एंड नॉन SDS की फुल फॉर्म है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। SDS में दो कंडीशंस रहती हैं, हमें IELTS में चाहिए होते हैं 6 each, 1 year की फुल फीस एंड GIC को पे करना होता है। अगर हम एक भी कंडीशन इसमें से मीट नहीं करते हैं तो हमारा केस चले जाता है नॉन SDS कैटेगरी में। जनरली बोला जाता है कि वीज़ा चांसेस बेटर रहते हैं SDS कैटेगरी में, तो इसीलिए हमारी एडवाइस यही रहती है कि हम अपना केस जो है वो अप्लाई करें SDS में। अदरवाइज नॉन SDS में हमें थोड़े से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ओवरऑल चीज़ें फाइल की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। अगर इसके अलावा आपके इस टॉपिक को लेके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे एक बार हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।